Namaste. Welcome to Consine.in. I am your host Dhwani and I am here to show you a 3 BHK semi-furnished bungalow that is built on 800 square feet near bypass in a gated community. Let's have a look to the front elevation of the bungalow. Let's have the tour of the house. Here हम लोगों ने रैम्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रे टेक्सचर्स दिए हुए हैं. यहाँ लाइट्स, वन साइडेड लाइट्स है जो हमारे फ्रंट एलिवेशन को काफ़ी अच्छा लुक दे रही है. यहाँ पर हमारा पार्किंग एरिया है जहाँ हम एक हैचबैक कार पार्क कर सकते हैं या फिर 3 से 4 टू व्हीलर्स हम पार्क कर सकते हैं. ओवर हियर एंट्री के सामने हमारे पास छोटा सा एरिया है जहाँ आप टू व्हीलर्स भी पार्क कर सकते हैं या फिर आप गार्डनिंग कर सकते हैं. ओवर हियर भी आप प्लांटिंग्स कर सकते हैं जिससे आपके घर को काफ़ी अच्छा लुक आएगा. हमारे फ्रंट पे हमने वुडन डोर दिया हुआ है. सेम वुडन पैनलिंग है जिसके ऊपर वेनियर पॉलिश का यूज़ किया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है. हम देख सकते हैं ये आता है हमारा ड्राॅइंग रूम. हमारे ड्राइंग रूम में हमने टाइलिंग, इटालियन टाइलिंग यूज़ करी है. यहाँ 12 से 13 लोग आराम से आ सकते हैं. हम इधर देख सकते हैं कि हमारी वॉल पे माइका के ऊपर इटालियन डिज़ाइन दी है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है. कलर भी काफ़ी प्यारा लग रहा है. यहाँ पर डिज़ाइन दी हुई है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है हमारे ड्राइंग रूम को. यहाँ हमने फ्लोट पैटर्न दिया है वुड के ऊपर जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है. हम ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर कंसीव प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ किया हुआ है. सिलेंड्रिकल COV का यूज़ किया है प्लस वुडन बॉर्डर्स है स्क्वायर शेप में डिज़ाइन दी हुई है जो काफ़ी अच्छा लुक हमारे ड्राइंग रूम को दे रही है. ओवर हियर हमारी TV पैनल है. हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा टेक्सचर है. ये भी इटालियन टेक्सचर है. कलर काफ़ी अच्छा है, हमारे ड्राइंग रूम से मैच कर रहा है. प्लस TV के लिए हमने जो केबल्स वायरिंग का यूज़ करा है वो सब इनबिल्ट है तो आपके वायर्स बाहर नहीं आएंगे. यहाँ भी प्रॉपर स्पेसिंग दी हुई है, यहाँ भी स्पेसिंग दी हुई है तो आप शो पीसेस का यूज़ कर सकते हैं जिससे काफ़ी अच्छा लुक हमारे हॉल को आएगा. अब हम देखते हैं हमारे डाइनिंग एरिया को. यहाँ पर भी जो फ्लोरिंग करी है वो इटालियन डिज़ाइन पे करी है. इधर आराम से 6 सीटिंग डाइनिंग टेबल हम यूज़ कर सकते हैं. इधर हम देख सकते हैं कि ये जो वॉल है ये डबल हाइट वॉल है. इस पे पनिंग पे डिज़ाइन करी है. एक बहुत ही एलिगेंट लुक ये हमारे डाइनिंग एरिया को दे रही है. आप देख सकते हैं ऊपर भी लाइट्स का यूज़ किया है. इससे हमारे डाइनिंग रूम को एक काफ़ी एलिगेंट सा लुक इस डिज़ाइन के थ्रू आ रहा है. अब हम इधर देखते हैं ये हमारा अंडर स्टेयर्स एरिया है. इसको भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया हुआ है. यहाँ पर स्पेसिंग दी हुई है ताकि आप प्रॉपर स्टेयर्स के नीचे के एरिया की स्पेस को यूज़ कर सकें. हमने स्पेसिंग का काफ़ी अच्छा यूज़ करा है. यहाँ हम वॉश बेसिन यूज़ कर सकते हैं. उसके जस्ट ऊपर ब्लैक टाइलिंग की हुई है. आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है. यहाँ पर हम मिरर लगा सकते हैं. मिरर के जस्ट ऊपर हमने लाइटिंग की और स्पेस दी है जो काफ़ी अच्छा लुक दे सकती है. इवन हमने स्टोरेज स्पेस भी दी है तो आप यहाँ अपना सामान रख सकते हैं. हमारे डाइनिंग एरिया के जस्ट पास किचन है. यहाँ पर वुडन पार्टीशन दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है. आप देख सकते हैं ये हमारा एल शेप किचन है. यहाँ 3 लोग आराम से काम कर सकते हैं. हम इधर टाइलिंग के लिए देख सकते हैं कि टाइल स्लैब का यूज़ किया है एंड जस्ट उसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइन पे टाइलिंग दी हुई है जो काफ़ी अच्छा लुक हमारे किचन को दे रही है. यहाँ हम ऊपर देख सकते हैं स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स दिए हुए हैं, काफ़ी स्पेशियस है. यहाँ हमारे पास हाइड्रोलिक ग्लास शटर है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है हमारे किचन. ओवर हियर वी हैव टेंडम बॉक्सेस जो सॉफ्ट क्लोजर्स हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं. आप अपने यूटेंसिल्स एंड ग्रॉसरीज वगैरह आराम से रख सकते हैं. यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. आप बड़े यूटेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ ऊपर सिलेंड्रिकल COV का यूज़ किया हुआ है Over here in the kitchen lighting work is yet to be done. हमने काफ़ी ज़्यादा lights दी हुई है but अभी work is in progress. यहाँ हम देख सकते हैं ventilation के लिए just बाहर हमारा washing area है and उसके ऊपर open to sky है, तो काफ़ी अच्छा ventilation हमारे kitchen के side से आएगा. हम एक बार washing area का भी लुक ले लेते हैं. ये हमारा वॉशिंग एरिया है, आप देख सकते हैं कि ये ओपन टू स्काई है. यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि स्टोरेज के लिए जगह दी हुई है, तो यहाँ पर भी आप अपने सामान रख सकते हैं. यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, प्लस यहाँ यूटेंसिल्स वॉश करना, यहाँ पर आपका सारा काम हो सकता है. यहाँ से आप ड्राइंग एरिया का लुक देख सकते हैं. डाइनिंग एरिया प्लस ड्राइंग एरिया है हमारा. जस्ट ओवर यहाँ द ग्राउंड फ्लोर हमने एक पाउडर रूम दिया है, तो गेस्ट आते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है. काफ़ी अच्छी स्पेस का यूज़ किया है. एंड दिस इज़ फुल हाइटेड टाइलिंग, आप पूरे देख सकते हैं. वॉशरूम में भी वेंटिलेशन का पूरा स्पेस दिया हुआ है. एंड ओवर हियर हमने नीश का स्पेस दिया हुआ है. यहाँ पर जितनी भी फिटिंग्स है वो कैरोविट की अभी होना बाकी है, तो सारी फिटिंग्स हमारी कैरोविट की होगी. अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट रूम की तरफ जो ग्राउंड फ्लोर पर है. ये हमारा 9x12 का रूम है जो ग्राउंड फ्लोर पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं. ओवर हियर इन द रूम हमने विंडो सेक्शन दिया है जो डायरेक्ट हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ जाता है, जो ओपन टू स्काई है, तो यहाँ भी वेंटिलेशन प्रॉपर होगा. हमने हर रूम में एसी लाइन्स दी हुई है, तो एसी लगाने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा. ओवर देयर इन द सीलिंग हम देख सकते हैं कि हमने स्क्वायर में लाइटिंग्स यूज़ करी है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है. हमने कंसीव प्रोफाइल लाइट्स का भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है. हम यहाँ पर स्विचेस देख सकते हैं, सारे एंकर्स के स्विचेस यूज़ करे हुए हैं हर रूम में. डोर का पैटर्न भी हम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है. वुडन डिज़ाइन है, इस पे भी डिज़ाइन दी हुई है जो आपके रूम को बहुत अच्छा लुक दे रहा है. Now let's walk up to the stairs. हम स्टेयर्स पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी लाइट्स यूज़ करी है. इवन इफ रात में आपकी घर की सारी लाइट्स बंद है, आप स्टेयर्स की लाइट्स चालू करके ऊपर तक आराम से जा सकते हैं. ये हमारा पैसेज एरिया है, ये डबल हाइट है, तो यहाँ से हम अपना डाइनिंग एरिया भी देख सकते हैं. आप देख सकते हो कि सामने वाली वॉल का लुक कितना प्यारा आ रहा है. यहाँ पर भी स्क्वायर पैटर्न का यूज़ करा है, हम देख सकते हैं कि हमारी डबल हाइट का लुक कितना प्यारा आ रहा है. सामने वाली वॉल का कलर, उसके लाइट इफ़ेक्ट्स कितने प्यारे लग रहे हैं. Now let's move to a second bedroom. ये हमारा रूम है, हम देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस रूम है. यहाँ पर भी सेम विंडोज़ का यूज़ किया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए. हम देख सकते हैं. Let's have a look to the attached balcony in this room. यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग की हुई है. ऑन द टॉप पीवीसी यूज़ किया है जिसके ऊपर गोल्डन लाइट्स दी है जो काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रही हैं, आप देख सकते हैं. सामने वाली वॉल पर हम देख सकते हैं 4 साइडेड लाइट्स है जो कितना अच्छा लुक दे रही हैं. ओवर हियर हमने ग्रेनाइट के ऊपर 12 mm टफन ग्लास यूज़ करा है जिसके ऊपर एसएस रेलिंग है। हम देख सकते हैं सामने वाली वॉल पे ग्रे कलर यूज़ करा है जो कितना प्यारा इफ़ेक्ट हमारी गैलरी में दे रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर ड्रेसिंग एरिया। हम ड्रेसिंग एरिया का भी लुक देखते हैं। यहाँ पर मिरर प्लेस होगा, यहाँ पर आप ड्रेसिंग का सामान पूरा रख सकते हैं। ओवर हियर वार्डरोब्स दी है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि स्टोरेज के लिए कितना काफ़ी अच्छा यूज़ करा है। ऊपर कंसीव प्रोफाइल लाइट्स है एंड यहाँ आता है हमारा वॉशरूम। ये हमारा वॉशरूम है, यहाँ पर वैनिटी दी हुई है, उसके ऊपर काउंटर टॉप दिया है, यहाँ आप वॉश बेसिन प्लेस कर सकते हैं। ये शावर एरिया है। ओवर हियर इन द वॉशरूम वी कैन हैव अ लुक टू द टाइल्स जो फुल हाइटेड टाइलिंग्स है। कितना प्यारा टेक्सचर हमारे शावर एरिया पे भी दिया हुआ है, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर भी हाइलाइटर्स दिए हुए हैं एंड फिटिंग सारी कैरोविट की होगी। यहाँ पर हम ऊपर देख सकते हैं कि वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस दी हुई है एंड वी हैव एग्जॉस्ट फैंस एज वेल। ये था हमारा सेकेंड रूम। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। एज वी कैन सी ये कितना स्पेशियस है। इन दिस रूम ऑन द सीलिंग हम वापस देख सकते हैं कंसीव प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। कितना प्यारा लुक हमारे मास्टर बेडरूम को आ रहा है। यहाँ हमने सीलिंग टच विंडोज़ दी हुई है, ब्लैक कलर का यूज़ है विंडोज़ के कॉर्नर्स पे जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। इधर ओपन टू स्काई है तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, हम देख सकते हैं। नाउ लेट्स वॉक टुवर्ड्स द ड्रेसिंग एरिया। ये हमारा ड्रेसिंग एरिया है, काफ़ी स्पेशियस है। ऊपर आप वापस देख सकते हैं कि प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ किया है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही हैं। ओवर हियर अगेन वी हैव अ वॉशरूम। वी हैव फुल हाइटेड टाइलिंग्स, आप देख सकते हैं कितने प्यारे टेक्सचर्स है टाइलिंग्स पे। प्लस यहाँ पर भी वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडोज़ वगैरह दी हुई है तो आपके वॉशरूम में भी वेंटिलेशन रहेगा। इधर भी हाइलाइटर है, नीश है, सेम काउंटर टॉप, वॉश बेसिन एरिया, वैनिटी। सो आपका वॉशरूम काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। वॉशरूम में भी टाइलिंग्स काफ़ी अच्छे से की हुई है। यहाँ पर अलग से स्पेस दी हुई है तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप अपने वर्क स्टेशंस बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्लेस ओवर हियर स्टडी टेबल्स अगर ये बच्चों को रूम देते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी स्पेस है, इसका यूज़ हम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ओवर हियर ऑन दिस वॉल हमने टीवी पैनल दिया हुआ है। वायर्स इनबिल्ट फिटिंग है तो आपको वायर्स बाहर दिखे ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी के लिए लाइन दी हुई है हर रूम में। यहाँ पर हमने स्पेस दी हुई है तो आप स्टोरेज पर्पस के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल्स प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर अभी रेलिंग लगना बाकी है। बस नीचे हम देख सकते हैं हमने स्टेयरकेस कितना शानदार दिया हुआ है, पूरा ब्लैक में वर्क किया हुआ है जो कितना अच्छा लग रहा है। ओवर हियर ये हमारा ब्लैक डोर फॉर द टेरेस। ये हमारा टेरेस एरिया है, हम देख सकते हैं। ये फ्रंट साइड ऑफ द हाउस है। वी कैन सी कितनी ग्रीनरी है सामने। ये बैक एरिया ऑफ द टेरेस है। एट द बैक साइड हम देख सकते हैं यहाँ जस्ट सामने हमारे गार्डन है, कितनी ग्रीनरी है, हमें यहाँ रहकर कितना अच्छा लगेगा। वी हैव वन प्लॉट ओवर हियर ऑल्सो। To purchase the same house that is built on 20 by 40 square feet or for the same construction all over the Indore, you can call us on the given number. For more videos, do subscribe us on YouTube or follow us on Instagram. Thank you.